बीजेपी की जो फर्स्ट लिस्ट आई ना, उसके बाद बीजेपी डरी हुई है और कुछ सीटों पर बीजेपी पता नहीं ऊपर से उतार कर लाना चाहती है स्काईलैब, जो स्काईलैब आए और सर पे गिर जाए। लेकिन मेरे पास पहले सूचना थी कि सिविल लाइंस में ये प्रिंसेस को लाए थे, दिया कुमारी जी को, और वो थोड़े दिन घूम के विद्याधर नगर चली गई। अब हमारा टिकट घोषित हुए शायद मेरे अंदाज से 7 या 8 दिन हो गए, या पता नहीं 10 दिन हो गए। लेकिन ये जितना लेट कर रहे हैं उतना बीजेपी को नुकसान है। बीजेपी को भी कैंडिडेट लाने चाहिए, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन बीजेपी एक्चुअली में घमंड में है। बीजेपी को लगता है बिना काम के, बिना डेवलपमेंट के, बिना पब्लिक वेलफेयर के हम चुनाव जीत जाएंगे। गलत फहमी में बीजेपी, काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो काम करता है उसका हक है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठो। वोटर को कभी भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं होना चाहिए, उसको तो भारत का बनना चाहिए। मैं भारत का हूँ, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। जो काम करेगा, जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, मैं तो उसका साथ दूंगा। जो आपका काम करता है, जो डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है, उसका साथ देना चाहिए। मुझे लग रहा है कांग्रेस की सूची कल तक, आज रात तक या कल रात तक जारी हो जाएगी, और ये बीजेपी वालों की भी हो जाएगी। अब कब तक रोकेंगे, तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 तारीख लास्ट डेट है और नॉमिनेशन शुरू हो गया है। तो बीजेपी कांग्रेस हम सबको फॉर्म भरने पड़ेंगे। लेकिन अब बीजेपी का जो षड्यंत्र है वो चलेगा नहीं, बीजेपी के सारे षड्यंत्र फेल हो गए, इसलिए बीजेपी कुछ भी कर ले राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। बस अब एक मिनट, चुनाव में काफी ज्यादा केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, एक राजनीतिक मुद्दा आपको लगता है कि अब जनसभाओं में ये भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? नो डाउट, जब केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव होती है, राज्य की एजेंसियां एक्टिव होती है, तो सब सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये कि चुनाव आयोग जब राज्य के अधिकार सीज कर देता है, तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो उस वक्त उनमें केंद्र के अधिकार भी सीज करने चाहिए। तो चुनाव आयोग तो सर्वोपरि है चुनाव के वक्त, फिर भी चुनाव आयोग के बिना परमिशन के यदि राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां काम करती है और उससे चुनाव प्रभावित होता है, तो ये तो फिर चुनाव पर सीधा सीधा चुनाव आयोग के रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को इन केंद्रीय एजेंसियों पर भी रोक लगानी चाहिए, जो राज्यों में चुनाव आयोग से बिना पूछे कार्रवाई कर रही है। तो चुनाव आयोग के हाथ में अधिकार लेने चाहिए चुनाव आयोग को। राजस्थान में प्रताप जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बीजेपी में ये रहा पिछले दो चुनाव को उठा के देखो तो एक चेहरे को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया है, सीएम का फेस प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन इस बार बीजेपी ने पिछली बार बीजेपी ने 2013 में वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा, बीजेपी जीत गई। उससे पहले भी वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट किया था उन्होंने, लेकिन कांग्रेस ने कभी चेहरे प्रोजेक्ट नहीं किया। कांग्रेस तो जॉइंट नेतृत्व में चुनाव लड़ती आई है, इस बार बीजेपी ने चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए तय है कि बीजेपी तो हमेशा चेहरे के दम पर लड़ी है। अब की बार बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर को आगे किया है, लेकिन राजस्थान के जो मुद्दे हैं उसमें काम की वैल्यू है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई और कुछ नहीं, कोई बीजेपी का नेता नहीं, सिर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह। तो चिन्ह काम थोड़ा ना करता, चुनाव चिन्ह देखो और हमें वोट दो, ये चलेगा नहीं बीजेपी को। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत नाराज है बीजेपी से। अब कांग्रेस में तो चुनाव सरकार बन जाएगी, उसके बाद पार्टी हाईकमांड एमएलए से बात करके तय करता वही होगा, सामूहिक राय से होता है हमेशा, तो चुनाव के बाद है। अभी तो मुख्यमंत्री हमारे ही तो हैं, अशोक गहलोत जी, तो अभी मुख्यमंत्री तो लगे हुए ना फोटो मुख्यमंत्री के, अशोक गहलोत डोटासरा के, तो फोटो तो चेहरा तो दिखा दिया ना, वो तो देख रहे हैं ना लगा रखा है फोटो। नहीं, बीजेपी ने भी लगाया, उनमें वसुंधरा जी का फोटो लगा रखा है, वसुंधरा जी का भी लगाया, राजेंद्र राठौड़ का भी लगाया है, और वो उनका सीपी जोशी का भी लगाया है। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे। नड्डा जी का भी लगाया, वैसे हमारे यहाँ पर भी सबके चेहरे लगे हुए हैं। तो ये तो अब देखते हैं वक्त क्या होता है। हमारे यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा अभी कोई चेहरा वेरा सब तय करना हाईकमांड के हाथ में, और अभी तो अब चुनाव हो रहा है, तो अभी मुख्यमंत्री के काम, मुख्यमंत्री काम के आधार पर लड़ी रहे ना आगे बढ़कर, देखते हैं क्या।